देश के सबसे टफ एग्जाम्स में से एक यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम है। इस एग्जाम को क्रैक करना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन कुछ युवा ऐसे भी हैं जिन्होंने इस मुश्किल में न केवल सफलता पाई बल्कि सबसे कम उम्र में इस एग्जाम को पास करने वाले युवा भी बन गए। आज हम आपको देश के 5 सबसे युवा आईएएस के बारे में बताएंगे जिन्होंने बेहद कम उम्र में इस एग्जाम को क्रैक कर लिया। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है साल 2015 में यूपीएससी की परीक्षा पास करने वाले देश के सबसे छोटी उम्र में आईएएस बनने वाले अंसार अहमद शेख का। अंसार अहमद शेख ऐसे ही शख्स हैं जिन्होंने महज 21 साल की उम्र में ये परीक्षा पास की। उन्होंने 361वीं रैंक हासिल की थी, तब उनके पिता ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे। अंसार अहमद शेख ने बताया था कि उनके पिता एक ऑटो रिक्शा चालक थे जो 100 से 150 रुपये प्रतिदिन कमाते थे। कई बार उनका परिवार रात का खाना या नाश्ता तक पैसों की किल्लत की वजह से छोड़ देता था। अंसार ने कहा था कि अल्लाह ने मेरी और मेरे परिवार और दोस्तों की दुआओं को कबूल करते हुए मुझे देश की सेवा करने का ये मौका दिया है जिसे मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। वो वर्तमान में MSME और पश्चिम बंगाल सरकार में OST के पद पर कार्यरत हैं। इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर कब्जा किया है रोमन सैनी ने। 2013 में इन्होंने एम्स से डॉक्टरी पास की। रोमन ने इस परीक्षा को महज 22 साल की उम्र में क्रैक कर लिया था। उन्होंने ऑल इंडिया में 18वीं रैंक हासिल की थी। अगस्त 2015 में सहायक कलेक्टर के तौर पर जबलपुर में ज्वाइन किया था। रोमन ने महसूस किया कि यूपीएससी की कोचिंग लेने पर काफी खर्च होता है और हर कोई कोचिंग नहीं ले पाता, इसलिए सिविल सेवा में आने के बाद रोमन ने फैसला किया कि वो फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग के जरिए अन्य प्रतिभागियों की मदद करेंगे। इसके लिए उन्होंने अन अकेडमी की शुरुआत की। इसके लिए रोमन सैनी ने आईएएस की नौकरी तक छोड़ दी। अन अकेडमी एक ऑनलाइन कोचिंग की वेबसाइट है जिसे वो अपने दोस्त गौरव मुंजाल के साथ मिलकर चलाते हैं। आज रोमन सैनी एक मोटिवेशनल स्पीकर और आर्टिस्ट भी हैं। इस लिस्ट में तीसरा स्थान राजस्थान के सीकर की रहने वाली स्वाति मीणा नाइक का है। मीणा 22 साल की थी जब उन्होंने ये एग्जाम पास किया। साल 2007 में परीक्षा पास करने वाली स्वाति ने ऑल इंडिया 260 रैंक हासिल की। फिलहाल वो मध्य प्रदेश राज्य सहकारी वेड़प्पन संघ में सेवारत है। इस लिस्ट का चौथा नाम है आईएएस अधिकारी अमृतेश औरंगाबादकर का। अमृतेश ने साल 2011 में यूपीएससी की परीक्षा पास की थी और 10वीं रैंक हासिल की थी। पुणे से ताल्लुक रखने वाले अमृतेश ने 22 साल की उम्र में इस परीक्षा में सफलता हासिल की थी। साल 2012 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। फिलहाल वो गुजरात सरकार में न्यायपालिका वडोदरा के क्षेत्रीय आयुक्त हैं। इस लिस्ट में पांचवा और अंतिम नाम है अंकुर गर्ग का। अंकुर ने साल 2002 में 22 साल की छोटी उम्र में सिविल सेवा परीक्षा में टॉप किया था और ये उपलब्धि हासिल करने वाले सबसे युवा उम्मीदवार बन गए। अंकुर गर्ग ने IIT दिल्ली से ग्रेजुएट किया है और वो वर्तमान में प्रतिष्ठित हार्वर्ड विश्वविद्यालय में 2 साल का मास्टर कार्यक्रम अपना रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।